एक बार की बात है, जंगल में एक हाथी और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोनों हमेशा साथ साथ घूमते थे। हाथी बहुत सीधा और शांत स्वभाव का था, जबकि लोमड़ी बहुत चतुर और चालाक था। वो तो घूमने भी हाथी के ऊपर ही बैठ कर जाता था। एक दिन हाथी और लोमड़ी दोनों जंगल में घूम रहे थे और दोनों को भूख लगी थी। तभी लोमड़ी की नजर एक आम के पेड़ पर पड़ी, जिसमें एक आम लगा था। लोमड़ी ने आम खाने का एक तरीका सोचा और हाथी से बोला, अगर तुम मुझे अपनी सूंड में उठा लो तो मैं जाकर आम को आराम से तोड़ सकता हूँ। वाह दोस्त, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। हाथी ने लोमड़ी को अपनी सूंड में उठा लिया और इस तरह लोमड़ी आम तक पहुँच गया। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लोमड़ी ने आम तक पहुँचते ही झट से आम को तोड़ा और उसे खा गया और हाथी से कहा, हाथी भाई, लगता है पेड़ में एक ही आम था और वो तो मैं ये सोचकर खा गया कि खुद एक आम खाने के बाद पेड़ के सारे आम तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा, पर और कोई आम दिख ही नहीं रहा। अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं लोमड़ी भाई, तुम खाओ या मैं, बात तो एक ही है, आखिर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। वो तो है, हमारी दोस्ती के चर्चे तो पूरे जंगल में है। इस तरह लोमड़ी ने अपनी चतुराई भरी बातों से हाथी को बहला दिया और दोनों आगे की ओर बढ़ चले। और कुछ दूर चलते ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके सामने एक खतरनाक शेर आ गया जो कई दिनों से भूखा लग रहा था। वाह, हाथी और लोमड़ी, बड़े दिनों के बाद आज पेट भर के खाना मिलेगा। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों को खाकर अब मैं अपना पेट भरूंगा। लोमड़ी और हाथी ने मिलकर शेर को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो उन्हें ना खाए, पर शेर ने उनकी एक ना सुनी। तभी लोमड़ी को पास की जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया और उसको एक तरकीब सूझी और उसने खुद को बचाने के लिए एक नाटक किया। ठीक है शेर भाई, लेकिन इससे पहले कि तुम हमें खाओ, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। कैसी बात? वैसे भी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना सबका धर्म होता है। आखिरी इच्छा, जल्दी बोलो। यहाँ नहीं, अकेले में। शेर को अपने साथ उस गड्ढे के सामने ले गया ताकि उसकी योजना काम कर सके और वो किसी तरह अपनी जान बचा ले। शेर भाई, मुझे देखो, छोटा सा लोमड़ी हूँ, मुझे खाकर तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। अगर खाना ही है तो इस हाथी को खाओ। अगर एक बार इसका शिकार कर लिया तो कई दिन तक इसे खा सकोगे, और हाथी इतना बड़ा है कि इसे पकड़ पाना शायद तुम्हारे बस की बात ना हो। क्या? पर वो तो तुम्हारा दोस्त है। अरे कैसा दोस्त, वो तो एक मूर्ख हाथी है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे पास एक तरकीब है। लोमड़ी ने अपनी चाल चल दी। असल में वो हाथी को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने प्राण बचाने में लगा हुआ था, जिसके लिए वो अपने दोस्त हाथी की बलि देने के लिए भी तैयार था। शेर भी उसकी बातों में आ गया और बोला, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, अगर हाथी का शिकार कर लिया तो खाना ही खाना होगा, लेकिन इसे पकड़े कैसे? क्या है तुम्हारी योजना? ये गड्ढा देख रहे हो, अगर हम दोनों मिलकर किसी तरह हाथी को इस गड्ढे में गिरा दें तो ये ऊपर नहीं आ पाएगा, फिर हम आराम से इसका शिकार कर पाएंगे। लोमड़ी ने शेर को अपनी चतुराई से अपनी ओर मिला लिया और हाथी को उस गड्ढे में गिराने की अपनी तरकीब शेर को बताई, जो उसने पहले से ही सोच कर रखी थी। तुम्हारी योजना तो सच में बहुत अच्छी है, अब जल्दी से हाथी को बुला, मैं तैयार हूँ। अब तुम यहाँ से चले जाओ और झाड़ियों के पीछे छुप जाओ ताकि हाथी को मुझ पर भरोसा हो जाए, फिर मैं उसको बुलाऊंगा। ठीक है। शेर खान लोमड़ी की बातों में आकर वहाँ से चला गया और झाड़ियों के पीछे छुप गया। इधर लोमड़ी अपनी योजना के अनुसार गड्ढे के बिल्कुल पास खड़ा हो गया और हाथी को आवाज दी, हाथी भाई, मेरी शेर भाई से बात हो गई है, अब तुम यहाँ आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लोमड़ी की बात सुनकर हाथी को उस पर भरोसा हो गया। लोमड़ी के बुलाने पर वो उसके पास चला गया
हाथी बेफिक्र होकर गड्ढे के पास खड़े लोमड़ी से बातें कर रहा था। तभी अचानक से शेर ने झाड़ियों से छलांग मारी और पूरी शक्ति से हाथी को धक्का दिया, जिससे हाथी सीधे उस गड्ढे में गिर गया। लोमड़ी भाई बचाओ, मुझे इस गड्ढे से निकालो। इससे पहले कि हाथी को कुछ समझ में आता, शेर वहां आता है और हाथी को लोमड़ी की सच्चाई बताते हुए बोलता है, भाई दोस्त, अरे तुम्हारे इसी दोस्त ने ही तो मुझसे मिलकर तुम्हें इस गड्ढे में गिराने की योजना बनाई है। ये तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। शेर की बातें सुन हाथी हैरान हो गया। लोमड़ी भाई, मेरे दोस्त, ये शेर क्या बोल रहा है? तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दोस्त? कैसा दोस्त? मैं कोई दोस्त नहीं हूँ। अरे वो तो मुझे तुमसे फायदा होता था, इसलिए तुम्हारे साथ रहता था। अब से मेरा असली दोस्त शेर भाई है और हम दोनों मिलकर तुम्हें खाएंगे। जहाँ लोमड़ी के मुँह से सच्चाई सुनकर हाथी को बहुत दुख हुआ, वहीं शेर उसकी बात सुनकर हंसने लगा। क्या हुआ शेर भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? यही सोचकर कि हाथी तो मूर्ख है ही, तुम तो उससे भी बड़े मूर्ख हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे और मैं तुम्हें बनने दूंगा? अरे जो अपने इतने अच्छे और पुराने दोस्त को धोखा दे सकता है, मैं उस पर भरोसा करूं? अब मैं हाथी के साथ साथ तुम्हें भी खाऊंगा। ये क्या कह रहे हो शेर भाई, मैंने तो हाथी का शिकार करने में तुम्हारी मदद की। चाहे कुछ भी कर लो लोमड़ी, तुम्हारी चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम दोनों को खाऊंगा। लोमड़ी की चाल उसी पर उल्टी और भारी पड़ गई। हाथी ये सब देख के बोला, देखा लोमड़ी भाई, बुरे काम का नतीजा। हाथी की बात सुनकर लोमड़ी को बहुत पछतावा हुआ। उसने हाथी से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो हाथी भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। फिर शेर ने पहले लोमड़ी का शिकार किया और फिर हाथी का। जिस भोले भाले हाथी ने लोमड़ी को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था, उसी लोमड़ी के धोखे के कारण दोनों को ही अपने प्राण गंवाने पड़े।